नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिलकर ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं कि बाकी नेता जी बस इसे देख ही रहे हैं कि थोड़ा चखने को मिल जाए, लेकिन खिचड़ी की सुगंध भी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। जी हाँ, बात यहाँ बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की जाए तो ये मंत्रिमंडल विस्तार बीरबल की खिचड़ी बन गई है जो कि पकी नहीं। लगातार कयासों का बाजार गर्म है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी बीते कई महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार में है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके इस इच्छा को पूरा ही नहीं कर रहे। कई पद रिक्त हैं इस कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर, लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इस बार एक बार फिर ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, जहां कांग्रेस से दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, राजद से जो पद खाली है उन्हें भी भरा जा सकता है, लेकिन एक बार फिर ये बाजार ठंडा पड़ गया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं हो सका। मौजूदा समय में जहां बिहार सरकार में 31 मंत्री हैं, वहीं 5 और लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासबाजी की जा रही है, मगर अब तक इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है कि आखिर कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलबाजी के बीच पिछले दिनों नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ शनिवार को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने भी लालू प्रसाद से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में कुल 15% यानी कि मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति के मुताबिक फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में 15 मंत्री आरजेडी कोटे से हैं, नीतीश कुमार समेत 13 मंत्री जनता दल यूनाइटेड कोटे से हैं, 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं और 1 मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय हैं। यानी कि कल इस वक्त बिहार में 31 मंत्री हैं और 5 को मंत्री और बनाया जा सकता है। दरअसल 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उस समय आरजेडी कोटे से तेजस्वी यादव समेत 17 मंत्री बनाए गए थे, मगर विभिन्न कारणों से 2 मंत्री कार्तिकेय कुमार और सुधाकर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल में राजद की संख्या 15 है। मौजूदा समय में जहां बिहार सरकार में 31 मंत्री हैं, वहीं 5 और लोगों को मंत्री बनाए जा सकता है। ऐसे में सूत्रों की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में राजद से 2 मंत्री बनाया जाना है और कांग्रेस में भी 2 मंत्री पद की मांग काफी लंबे समय से जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है और जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है कि 2 मंत्रियों में से 1 मंत्री सवर्ण जाति का हो सकता है। बहरहाल आरजेडी कोटे से जिन मंत्री बनने को लेकर जिन 2 नाम की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, उनमें मुकामा से राजद विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और नवीन नगर से विधायक विजय कुमार सिंह और फिर डब्लू सिंह का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस कोटे से जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनमें महाराजगंज से विधायक विजय शंकर दुबे और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा के नाम की चर्चा है। इन दोनों में से किसी एक को सवर्ण कोटा के तहत मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में कैबिनेट विस्तार कब होगा, ये सवाल बिहार के सियासत में लगातार मंडरा रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी को भी नहीं पता। कयासों के बाजार के मुताबिक कई दफा ऐसा लगा कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ। बीते दिनों नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पहुंचकर लालू यादव से जब मुलाकात की, तो एक बार फिर लगा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को नसीहत दी है, उन्हें समझाया है और जिस किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार करना है उस पर चर्चा हुई, लेकिन एक बार फिर ये कयासों का बाजार बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल 31 मंत्री हैं और 5 को और मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि कांग्रेस की मांगों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की मांगें कब तक पूरी होगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।